good morning everyone, welcome to the day 7 of the last course for your best life. आज का जो हमारा टॉपिक है, this is going to be the game changer. Among the 5 morning rituals, जो सबसे ज्यादा important है, सबसे ज्यादा crucial है, जो सबसे ज्यादा powerful है, that is the habit of daily learning. ये एक ऐसा ritual है, जो आपको एक competitive advantage देगा, आपके पूरे surrounding में, आपके पूरे एनवायरमेंट में, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में. दिस टॉपिक, दिस रिचुअल विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज. आप लोगों से बेहतर बन जाएंगे. सी, ज्यादातर लोग रोज कुछ ना कुछ नया नहीं सीखते, बट अगर आपकी आदत है डेली लर्निंग की, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की, तो आप अपने माइंड को नरिश कर रहे हो विद अ पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट. आपकी नॉलेज, आपका विजडम बढ़ता जा रहा है, लोगों का नहीं बढ़ रहा. तो हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं. और अगर रोज ये करने लग जाओगे, तो 365 दिन के बाद, एक साल के बाद, आपका माइंड, कैन यू इमेजिन, वो किस लेवल पे वर्क कर रहा होगा. और जो लोग वहीं के वहीं हैं, जो ये वीडियोस नहीं देख रहे, जो हैबिट ऑफ डेली लर्निंग नहीं अपना रहे, वो कहां होंगे. एंड दिस इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट जो मैं आपकी लाइफ में लाना चाहता हूं. नाउ द हैबिट ऑफ डेली लर्निंग, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कैसे होगा ये सब कुछ, ये आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो नंबर वन, मैंने यहां पे लिखा हुआ है 60 मिनट्स स्टडी. मैंने 60 मिनट्स रीडिंग नहीं लिखा, मैंने 60 मिनट लर्निंग नहीं लिखा, मैंने 60 मिनट स्टडी लिखा है. नाउ व्हाट इज अ स्टडी? जब हम बोलते हैं इस पर मैंने स्टडी करी है, वो रिसर्चर्स इस टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं. स्टडी इज अ डीपर वन. ये रीडिंग और लर्निंग से थोड़ा सा ज्यादा डीपर होता है. यू गो इन टू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसकी आप पूरी गहराई में जा रहे हो. आई वॉन्ट वट एवर यू डू एवरी डे, उसमें सुबह सुबह एक आदत अपनानी है, और वो आदत है 60 मिनट स्टडी की. सी, वेन आई स्टार्टेड टू डू द सेम, जब मैंने ये शुरू करा, रोज सुबह पढ़ना शुरू किया, सुबह सुबह मेरे माइंड में जो थॉट्स, इंफॉर्मेशन जाने लग गई, उसने मेरी लाइफ में इतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा कि आई सी माई लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड. एंड नाउ दिस इज योर टाइम. सो ये 60 मिनट स्टडी करने का मतलब ये है कि आप सुबह सुबह उठ के एक 60 मिनट स्टूडेंट बन जाए. 60 मिनट, मैं उससे ज्यादा नहीं कह रहा आपको, बट उससे कम भी नहीं कह रहा आपको. 60 मिनट इज द परफेक्ट टाइम. अगर आपने 60 मिनट स्टडी करने में लगा दिए, पढ़ने में लगा दिए, तो आप एक साल के अंदर आप एक डॉक्टरेट लेवल की नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे. 60 मिनट विद द फोकस. आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप रोज करने लग गए, आपको मैं बता दूं, ज्यादातर लोग ये नहीं करते. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ 60 मिनट फोकस के साथ पढ़ने लग गए, ओनली 60 मिनट, इट विल गिव यू द कॉम्पिटिटिव एज. आप अपने स्कोर देखेंगे एग्जाम में, वो ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अभी हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, व्हाट टू स्टडी, बट अगर आप बिजनेस के ऊपर पढ़ने लग गए, तो 365 दिन के बाद आपकी जो बिजनेस को लेकर नॉलेज होगी, वो किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा होगी. अभी कल ही की बात है, मैं शाम को अपने कलीग के साथ बैठा हुआ था, एंड हम कुछ बात कर रहे थे फाइनेंसिस के ऊपर और कुछ और बिजनेस के ऊपर. तो हमारी जब बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली यार ये हो जाएगा पुष्कर, उसके लिए ना हमें पैसा चाहिए. मैंने कहा सच में? कहते हाँ पैसा चाहिए. मैंने कहा ठीक है, मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, करो जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, करो. तो कहते, स्माइल आ गई चेहरे पे. मैंने कहा कि इट इज नॉट द मनी. आज आपको 100 करोड़ रुपए हाथ में हो आपके पास, और आप कहो मुझे कि मैं इन 100 करोड़ को 1000 करोड़ बना सकता हूं, नो. उसके लिए पहले चाहिए स्टडी. कैसे होगा वो? क्या नॉलेज है जो वॉरेन बफे के पास है, जो मेरे पास नहीं है? वो क्या नॉलेज है जो नवीन जैन के पास है, जो मेरे पास नहीं है? वो क्या नॉलेज है जो अजीत जैन के पास है, जो मेरे पास नहीं है? वो नॉलेज की बात है सारी. वो स्टडी जो उन्होंने करी है, वो मैंने नहीं करी, और वो स्टडी मुझे करनी है. बात सारी नॉलेज के ऊपर आती है. पैसा भी आ जाएगा अगर आपके पास नॉलेज है. अगर आपको सच में पैसा बनाना आता है ना, तो आप डायरेक्ट वॉरेन बफे से बात करोगे ना.
बात सारी ये है कि क्या हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर वो गहरी नॉलेज है, और वो आएगी आपके सुबह सुबह ये करने से, 60 मिनट स्टडी। नाउ थिंग इज व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। आई टेल यू ऑनेस्टली, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। इफ यू थिंक वो मैटर करती है तो मैं आपको बता दूं, जब न्यूटन ने ग्रेविटी की डिस्कवरी करी वो उसका स्कूल असाइनमेंट नहीं था कि भाई आज तुम्हें ग्रेविटी के ऊपर ये इंफॉर्मेशन लेकर आनी है। नो, इट वॉज नॉट हिज सब्जेक्ट उस टाइम पे, बट दैट वॉज हिज क्यूरियोसिटी। वो उसने खुद आइडेंटिफाई किया कि मुझे क्या स्टडी करना है। उसके स्कूल टीचर ने नहीं बोला कि ग्रेविटी की इन्वेंशन करके आओ जाओ। आइंस्टाइन को कॉलेज असाइनमेंट नहीं मिला था कि E=mc² और आप निकालिए, आइडेंटिफाई करिए, आप डिस्कवर करिए इस इक्वेशन को। नो, दैट वॉज वॉट ही चूज टू स्टडी। पिकासो को नहीं बोला था कि तुम इतने बड़े आर्टिस्ट बनो, ये तुम्हारा स्कूल असाइनमेंट है, कॉलेज असाइनमेंट है। नो, दैट वॉज वॉट दे चूज टू स्टडी। What are you choosing to study? विराट कोहली को नहीं बोला गया कि तुम जाके क्रिकेट के अंदर ये करके आओ। उसका खुद का पैशन था कि मुझे इस फील्ड को मास्टर करना है। What is your field of mastery? क्या पढ़ोगे रोज सुबह? अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर भी है ना, तब भी सीखने को इतना कुछ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप किसी टॉप बैडमिंटन प्लेयर से जाके पूछिए, एंड देन यू विल गेट टू नो दैट देयर इज अ लॉट टू स्टडी। सीखने को इतना कुछ है, बट सीखने के लिए सबसे पहले आपको चाहत रखनी है, और ये आपको एक रिचुअल बनाना है कि सुबह 60 मिनट में सिर्फ सीखूंगा। इट इज माय लर्निंग टाइम एज अ स्टूडेंट। आई विल बी अ 60 मिनट स्टूडेंट। व्हेन यू गो टू अ जिम, इट इज नॉट अबाउट जस्ट ट्रेनर ने बोला और मैंने प्रैक्टिस किया। इट्स अबाउट स्टडिंग। व्हाई टू स्टडी लाइक दिस एंड व्हाट, मतलब किस तरीके से स्टडी करना है। मैं ऐसा मानता हूं, व्हेन आई स्टडी, आई स्टडी टू टीच, आई स्टडी टू ट्रेन। जब मैं कुछ पढ़ रहा होता हूं, अगर मैं किताब को भी पढ़ रहा हूं, तो मैं इस तरीके से पढ़ता हूं कि उसमें से जो बताया जा रहा है वो जाके मुझे सिखाना है। जब मेरा जिम ट्रेनर मुझे कोई बात सिखाता है, जो बताता है, तो मैं उसे बहुत ध्यान से सुनता हूं, बात को काटता नहीं हूं, क्योंकि मैं इस तरीके से सीख रहा हूं कि मुझे जाके अगर सिखाना पड़े तो मैं कैसे सिखाऊंगा। उस फील्ड को जो भी आप सीख रहे हैं, व्हाटएवर यू आर लर्निंग, अगर मैं शाही पनीर बनाना भी सीख रहा हूं तो मैं इस तरीके से सीख रहा हूं कि इमीडिएटली अगर मुझे बोला जाए इसके बाद कि इस पर्सन को आपको शाही पनीर बनाना सिखाना है, तो मैं कोई डिटेल मिस ना कर दूं। सो वहां पे मुझे फोकस रखना है इस वक्त सिर्फ इस पे कि क्या इंग्रेडिएंट डाला जा रहा है, कितना डाला जा रहा है, कितनी देर उसे पकाया जा रहा है, एवरीथिंग। माय फोकस इज दैट, क्योंकि मैं उसे भी सीख रहा हूं। आर यू स्टडिंग लाइक दिस? आर यू स्टडिंग टू ट्रेन? इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आर यू लर्निंग इट लाइक यू नीड टू ट्रेन पीपल? इफ यू विल गेट द सेम टॉपिक कि आपको जाके सिखाना है लोगों को कि वो आदत डालें डेली लर्निंग की, तो क्या आप ये टॉपिक सीखने के बाद सिखा पाएंगे? आपको इस तरीके से सीखना है कि आप जाके सिखा पाओ। सी, वी वॉच अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स। हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं और भी बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। मैं स्पेशली बताता हूं, व्हेन आई लर्न, अगर मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा हूं और उनका सेशन 1 घंटे का है या 1.5 घंटे का है, बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज आती हैं और हम खो जाते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं आपको वो सिखाता हूं जो मैं करता हूं। बेसिकली मैं आपको वही सिखाता हूं जो मैं करता हूं। सो मैं क्या करता हूं, लेट से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा हूं, मिस्टर एक्स को, और अब ये 1.5 घंटे का इनका एक वीडियो है या मैं एक सेशन ले रहा हूं, लाइव सेशन, व्हाटएवर। अब इनका इस सेशन का कुछ ना कुछ टॉपिक होगा, परफेक्ट, इनका एक टॉपिक है। अब मैं क्या, जब मैं सुनता हूं तो मैं बड़े ध्यान से ये चीज नोट करता हूं कि इस टॉपिक के अंदर वो कितने एरिया कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स वो क्या क्या बोलने वाले हैं। लेट्स से उन्होंने इस टॉपिक के अंदर लेट से 3 एरिया कवर करे, 3 सब टॉपिक्स कवर करे, तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जब उन्होंने टॉपिक शुरू किया तो उन्होंने कौन सा सब टॉपिक पकड़ा। उन्होंने लेट से नंबर 1 सब टॉपिक पकड़ा। अब उस सब टॉपिक के अंदर भी अगर वो 3 पॉइंट सिखा रहे हैं, तो मैंने यहां पर 1, 2, 3 पॉइंट लिख लिए। अब उन्होंने दूसरा सब टॉपिक शुरू किया, नंबर 2, और इसमें उन्होंने 2 बातें बताई, एंड उसके बाद उन्होंने नंबर 3 शुरू किया
और उन्होंने चार बातें बताई। तो हुआ क्या, उनकी डेढ़ घंटे की समरी मेरे पास सिर्फ एक डायग्राम में आ गई कि उनका टॉपिक क्या था, उन्होंने क्या सब टॉपिक कवर करे और उन सब टॉपिक्स के अंदर भी कौन कौन से उन्होंने और फर्दर टॉपिक्स कवर करे। नाउ आई गॉट एवरीथिंग, डेढ़ घंटे का जो उनका प्रोग्राम था, हो सकता है मैं सब कुछ रिकॉल ना कर पाऊं, बट अगर मैंने यहां पे इस तरीके से अपने पॉइंट्स बना लिए, अपने नोट्स बना लिए, तो मुझे हमेशा याद रहेगा, मुझे दोबारा वो वीडियो डेढ़ घंटे की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने यहां पर पॉइंट्स बना लिए उन्होंने जो भी बोला। सो लेट से कोई बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं और बिलीफ सिस्टम के अंदर वो चार बिलीफ सिस्टम कवर करते हैं, तो वो चार बिलीफ सिस्टम मैंने लिखे और उस बिलीफ सिस्टम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कवर करे, मैंने उस बिलीफ सिस्टम के अंदर लिख लिया। नाउ व्हेन आई हैव दिस, आई कैन गो एंड ट्रेन एनीबॉडी। जो मेन मुद्दे की बात है वो मुझे समझ आ गई, अब उसमें क्या कहानी है, उसमें किस तरीके से एक्सप्लेन करके समझाना है, दिस इज अप टू मी। वो आपका अपना तरीका होगा, मेरा अपना तरीका है, बट द थिंग इज व्हेन आई एम लर्निंग लाइक आई एम टू टीच। मुझे सिखाना है इसलिए मैं सीख रहा हूं, क्योंकि मुझे सिखाना है और इसलिए मैं सीख रहा हूं, तो मेरी लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वहां पे मेरी विजुअलाइजेशन इस तरीके से चलती है कि एग्जैक्टली सेम मुझे और अच्छे तरीके से सिखाना है। एंड व्हेन यू लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड देन यू नीड टू टीच, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट एंड आपका माइंड इस तरीके से नरिश हो रहा है। पहले जब आप सिखाने के लिए सीख रहे हो तो आप कितना स्ट्रांग सीख रहे हो, अगर एक टीचर है उसे कुछ पढ़ाना है तो पहले तो वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके आएगा ना। सिमिलरली अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से बोलोगे कि मुझे जाके सिखाना है, तो आप जस्ट एक स्टूडेंट वाली कैटेगरी से निकल के एक टीचर वाली कैटेगरी में आ जाओगे। एंड व्हेन अ मास्टर इज लर्निंग समथिंग, वो मास्टरी पे फोकस करेगा। Whatever he is learning, whether you are learning how to drive a car, you learn as to teach. जो सिखाया गया exactly वो words भी ध्यान रखो। जब पहले दिन हम सीखने जाते हैं तो कौन सा क्लच है, कौन सा एक्सलेटर है, कौन सा ब्रेक है, ABC जब हमें सिखाई जाती है गाड़ी की, तो हम वो सारे पॉइंट ध्यान रखते हैं। जो पॉइंट के हिसाब से ड्राइवर, जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, वो हमें सिखा रहा है, वो पॉइंट्स भी ध्यान रखो। कल को अगर आपको सिखाना हो तो आप किस तरीके से सिखाएंगे, एंड इन दिस वे आपकी खुद की लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाटएवर यू लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज वेरी सिलेक्टिवली, क्योंकि आज के डेट में लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। एंड व्हेन यू वांट टू लर्न सम न्यू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिलीफ सिस्टम, आपको अनलर्निंग भी सीखनी पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसा सीख रखा है आपने जो गलत भी है, वो सीखना पड़ेगा दोबारा से। अगर आप लेट से कुछ खाने में बनाते थे और वो अच्छा नहीं बनता था, देन यू अनलर्न एवरीथिंग, जो आपको आता था सब छोड़ दो, दोबारा से किसी एक्सपर्ट से सीखो, दोबारा से, इट्स ओके। आपको नहीं आता था उसे भूल जाओ, जो भी आता था अगर वो गलत होता था तो उसे भूल जाओ, लेट्स डू इट अगेन एंड लर्न इट अगेन एज टू टीच, देन यू प्रैक्टिस यू व्हाट यू स्टडी। जो भी सीख कर आए उसे प्रैक्टिस करो एटलीस्ट वंस, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे। लेट से मैंने एक कुकिंग क्लास में शाही पनीर बनाना सीखा, अब मेरा काम क्या है कि घर पे आके मुझे दोबारा से शाही पनीर बनानी है। अगर मैंने एक बार भी प्रैक्टिस कर दिया ना, तो मेरा जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो बहुत लास्टिंग हो जाएगा, वो बहुत टाइम तक मुझे ध्यान रहेगा कि मैंने जो सीखा वो मैंने प्रैक्टिस कर दी। अगर आपने लेट से आपने कवर ड्राइव मारना सीखा या कुछ और शॉट लगाना सीखा क्रिकेट फील्ड पे, और आपने उसे एक बार भी दोबारा से प्रैक्टिस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैच में जाएंगे ना, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जब एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने जो भी लर्न किया उसे आपने नोट्स के फॉर्म में लिख लिया और आपने उसे एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लिया, आप उसे भूलेंगे नहीं। आपने उसे लिख कर प्रैक्टिस कर लिया, सी पेन एंड पेपर ये आपके फ्रेंड्स हैं, जो ब्लैंक पेपर होता है ना वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उस पर मैं वो लिखता हूं जो मैं लिखना चाहता हूं। सो यू प्रैक्टिस व्हाटएवर यू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज फास्ट रीडिंग। सी इफ यू रीड बुक्स, आई टेल यू, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, बट मैंने आदत डाली और उसमें भी एक आदत डाली दैट इज फास्ट रीडिंग।
बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एक किताब को लेके पढ़ते रहने का। मैंने यहां पे ये चीज इस तरीके से मास्टर करी। मुझे याद है जब मेरे कॉलेज में एग्जाम्स होते थे तो एग्जाम से आधा घंटा पहले जो पढ़ाई होती थी उसमें नो डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीटली वन कोर्स पे फोकस होता था कि भाई एग्जाम है, आधा घंटा रह गया, फोन स्विच ऑफ, गाड़ी में रख दो, अब आप आराम से आ जाओ, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। और वहां पे आप कैसे पढ़ते थे? यू वर अ सिलेक्टिव रीडर। आई वॉज अ सिलेक्टिव रीडर। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, अभी लिख कर देख ले। इफ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास तो अभी पुष्कर लिख कर देख ले कि बाद में तो भूल ना जाए। इफ देर इज समथिंग इंपॉर्टेंट उस वक्त याद रखना जो मुझे लिख कर आना है, कौन से पॉइंट्स हैं। वहां पे इसी तरीके से होता था कि कौन सा टॉपिक है, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, क्या लिखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें उस वक्त जब चलती थी, देन वी वर इन अ स्टेट ऑफ अ बबल। कोई भी फ्रेंड आके कुछ बोल रहा है ना, उस वक्त हमारा अटेंशन भी नहीं जा रहा, कोई आके बोल रहा है भाई ये बता दियो मुझे, गो 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 राइट नाउ, आई हैव माई फोकस ओवर हेयर। एंड देन आई वंडर, उस आधे घंटे में मैंने तीन चैप्टर या चार चैप्टर प्रोबेबली उतना मटेरियल कवर कर दिया, और उससे दो तीन दिन पहले भी मैं उस फोकस में नहीं था। तो वहां पे जो चीजें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि मेरा फोकस है। सी, मेरे ब्रेन की कैपेसिटी है कि मैं उस वक्त फोकस करके सीख सकता हूं। सिर्फ आधे घंटे में मैंने इतना इंफॉर्मेशन कवर कर दिया जो प्रोबेबली मैं दो तीन दिन में भी कवर नहीं करता। सिमिलरली इट हैपेंस विद 90% ऑफ द स्टूडेंट्स और प्रोबेबली ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि उस आधे घंटे पहले क्या हो रहा होता है, वहां पे सिर्फ फोकस हो रहा होता है। एंड यू सी, फोकस से क्या रिजल्ट्स आते हैं उस वक्त। वो आधे घंटे का मटेरियल इस तरीके से दिमाग में होता है कि यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू राइट। सिमिलरली जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई नीड टू टीच। You are studying with a focus, and that is what you need to do. आपको हर लाइन नहीं पढ़ते हो आप, you just see the entire page and you see कि इसमें काम का क्या क्या है। पेंसिल हाथ में होती है, पेन हाथ में होता है, हम जल्दी से अंडरलाइन करते हुए पढ़ रहे होते हैं फटाफट। इन लेस देन अ मिनट यू कवर अ पेज मैन, इन लेस देन अ मिनट, एंड यू रिकॉल एवरीथिंग। हो सकता है एक बार पहले रीडिंग करी हुई हो, बट उस वक्त लर्निंग चल रही होती है बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड वो फास्ट रीडिंग की जो हैबिट है वो तब होगी जब आप एक एक स्टॉप वॉच लेकर पढ़ेंगे। अगर आप एक रीडिंग कर रहे हैं तो टाइम लिख लीजिए, 15 मिनट के अंदर मुझे इतना पढ़ना है, एंड देन बी अ फास्ट रीडर। इट डजंट मैटर कि आपको कितना समझ आ रहा है, कोई नहीं, आपका माइंड समझने की कैपेसिटी रखता है। बट होता क्या है, वेन एवर यू रीड समथिंग, यू रीड दिस जो भी यहां पर लिखा हुआ है, सो आप पढ़ते कैसे हैं, जिस हिसाब से आप बोलते हैं, डेली लर्निंग, 60 मिनट स्टडी, चूज वॉट टू स्टडी, ऑलवेज स्टडी एज टू टीच। ये अगर आप मन में भी पढ़ेंगे तो मन में भी आप देखेंगे कि आप बोल रहे होंगे। इसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो सब वोकलाइजेशन की हैबिट है ये आपके अंदर है, अभी आप कोई बुक उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो, आप देखेंगे कि आप मन ही मन बोल रहे हैं। बट जब हम यहां पर फास्ट रीडिंग करते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारी आईज फोकस्ड होती है उस चीज पर कि यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ उसे ग्रैप करना है। नॉट एवरीथिंग, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसे ग्रैप करना है, एंड देन यू कॉम्प्रीहेंड योरसेल्फ कि इसका मीनिंग क्या था। मीनिंग नहीं निकलता जब तक वहां से चीजें आइडेंटिफाई करनी है, एंड यू इन लेस देन अ मिनट स्टडी यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग फास्ट। आप देखेंगे आप कई किताबें इतनी जल्दी पढ़ जाएंगे। See, if you are into examination, this video is crucial. You can share it with the people जिनके अभी exams चल रहे हैं, आप उनसे share कर सकते हैं। Perfect. ऐसा नहीं है कि मैं late बना रहा हूँ, ये तो by chance बीच में topic है। So students के लिए अभी मैं specifically नहीं बोल रहा, but I am talking about everybody. Students के लिए तो ये necessary है ही। As you were a last minute student, you become the student forever like a last minute student. Because उस वक्त ना phone देख रहे होते हैं, oh किसी का message आया है। You do not watch that. Focus उस वक्त सिर्फ एक चीज पे होता है कि अभी एग्जाम है, अभी भागना है, अभी पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। Now you develop this habit of reading daily, studying daily. Studying, क्या सीखना है वो देखो।
एंड बी फोकस्ड. सी इतना कुछ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखने जाएंगे, मेरी वीडियो के साथ साथ ही आपको थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा कि मैं कोई सॉन्ग सुन लूं, मैं कुछ कॉमेडी देख लूं, बट क्या उससे वैल्यू एडिशन हो रहा है आपकी लाइफ में? नो. आपको ये हैबिट डालनी है कि एटलीस्ट मैं कुछ भी करूं सुबह सुबह 60 मिनट स्टडी करनी है. अच्छा, यहां पे अगर आप सुबह 60 मिनट स्टडी नहीं कर पाते तो सोना मत जब तक 60 मिनट स्टडी ना हो जाए. पूरे दिन के अंदर वो 60 मिनट का साइकिल तो कंप्लीट करना है. चाहे मेरी वीडियो देख के करो, अभी आधे घंटे की वीडियो देख ली, ठीक है 30 मिनट हो गए, डन. आई विल से कांग्रेचुलेशंस, 30 मिनट अभी बाकी है. आप मुझे देखो या किसी भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को देखो, बट देखो कुछ भी इंफॉर्मेटिव देखो, जो आपको स्टडी करना है वो देखो, आपको बिजनेस के ऊपर देखना है वो देखो, आपको बैडमिंटन टेक्निक्स जाननी है वो देखो, व्हाटएवर यू वांट टू लर्न. आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, सी चूज व्हाट टू स्टडी. डिस्ट्रैक्ट मत होना. पहले लिख लो मैं आज यही स्टडी करूंगा, और फिर जब मैं वो स्टडी करूंगा तो मैं सिर्फ वही स्टडी करूंगा. डिस्ट्रैक्ट मत होना. कुछ इंपॉर्टेंट लगे ये भी पढ़ना, लिख लो मैं पढ़ूंगा इसके बाद, पहले ये कंप्लीट करूंगा. यू डेवलप दिस हैबिट एंड यू विल सी, यू विल फील एंड यू विल एक्सपीरियंस द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन. सी आई एम विद यू ऑलवेज हेल्पिंग यू, एंड नाउ व्हाटएवर यू आर लर्निंग सीखो इस तरीके से कि सिखा पाओ. बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. स्टार्ट योर पर्सनल मास्टरी. पर्सनल मास्टरी हमेशा ध्यान रखना कि ये एक कोर एरिया होना चाहिए स्टडी का एवरी मॉर्निंग. ये आपको दिमाग में एक ब्लूप्रिंट देगा फॉर द सक्सेस. इट विल प्रिपेयर यू. गो फॉर इट. आई एम विद यू ऑलवेज. ऑल ग्रीन लाइट्स. गो सेल्फ.